हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा पार्ट वन लंबे समय के इंतजार के बाद अब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जूनियर एनटीआर अपनी सोलो मूवी के जरिए दर्शकों का दिल जीतने के लिए आ गए हैं। फिल्म में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है, जबकि सैफ अली खान खलनायक के रूप में नजर आए हैं। इसी बीच देवरा के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जो कि ये बताने के लिए काफी है कि इस मूवी का जादू ओपनिंग डे पर बखूबी चल गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म उम्मीद और अनुमानों पर पूरी तरीके से खरी उतरते हुए दिखाई दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार देवरा पार्ट वन ने पहले दिन 77 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर ली है। अब बात करें फिल्म इमरजेंसी की, तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को फाइनली सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है। इसे सर्टिफिकेट मिला है CBFC की रिवाइजिंग कम्युनिटी ने इस फिल्म पर दोबारा विचार किया, इसे फिर से देखा और कुल जमा कर 13 बदलाव किए गए, जिसके बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। इनमें से बहुत सारे सीन्स को इसलिए बदलने का सुझाव दिया गया क्योंकि सेंसर बोर्ड का मानना है कि इनमें सिख समुदाय की आस्था को गलत तरीके से दर्शाया गया है। अब बात करें सलमान खान की फिल्म सिकंदर की, तो सलमान खान की सिकंदर के लिए एक तगड़े एक्शन सीन की शूटिंग की जानी थी, मगर बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिकंदर की टीम SRPF ग्राउंड पर काम कर रही थी। वो वहां पर एक बहुत ही बड़े एक्शन सीन की शूटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर मुंबई में भारी बारिश के चलते उनको प्लान में बदलाव करना पड़ा। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग को दोबारा से शुरू किया जाएगा। अब बात करें सई पल्लवी की फिल्म अमरन की, तो सई पल्लवी की आने वाली फिल्म अमरन ने उनका पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की कहानी शाहिद मेजर मुकुंद वरदराज राजन के जीवन पर आधारित है। फिल्म में सई उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म को राजकुमार पेरिया स्वामी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 31 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कुछ है कहना इन सभी फिल्मों को लेकर, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।